नमस्कार दोस्तों, लगता है अब मुझे रोजाना बिहार की राजनीति पर ही फोकस करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में रोजाना कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है। अभी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी चिराग पासवान को लेकर, उसमें ये बताया था कि चिराग पासवान किस तरीके से अपनी सीटें बढ़वाने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। वो खेल सिर्फ NDA का ही है। NDA का जो पूरा गठजोड़ है उसमें दरअसल क्या है कि पिछले चुनाव में तो BJP सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब चूंकि JDU भी इसमें शामिल हो गई है तो JDU बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पार्टी के हैं और अब इसी वजह से चिराग पासवान को अपनी स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही थी और वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएँ लड़ने के लिए। तो वो एक अलग तरह की टैक्टिक अपना रहे हैं और इस टैक्टिक्स को अपनाने में वो तेजस्वी यादव के सुर में सुर भी मिलाने लगे हैं। जबकि अब स्थिति ये हो रही है कि तेजस्वी यादव की पार्टी RJD यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही है। उसके पुराने जो साथी हैं, पुराने दिग्गज नेता जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जिन्होंने राजनीति की बिहार की, वो अब साथ छोड़ रहे हैं। उनमें से कई विधायकों ने साथ छोड़कर RJD का साथ छोड़कर JDU का दामन थाम लिया है, जो कि RJD की सबसे बड़ी दुश्मन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है। 3 विधायक जिन्हें पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, और उन पर कहा जा रहा था कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों ने आज जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU को ज्वाइन कर लिया। और इनके नाम हैं चंद्रिका राय, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। चंद्रिका राय वो शख्स हैं जिनकी बेटी ऐश्वर्या राय की लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव के साथ शादी हुई थी। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको पता ही है कि तेज प्रताप यादव अपने आप में एक नमूना है, अजीबोगरीब व्यक्तित्व के मालिक हैं और मंत्री भी बने थे वो जब JDU और RJD की सरकार बनी थी पिछले वाली, जब नीतीश और लालू की पार्टी साथ थी तो उसमें वो मंत्री भी बने थे। अजीबोगरीब काम करते थे, अजीबोगरीब भेष भर के रहते हैं। कभी वो रणवीर सिंह बन जाते हैं, कभी वो टार्जन बन जाते हैं, कभी वो सुमो बन जाते हैं। तो इसी वजह से उनका अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ खटपट चल रही थी, दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है। चंद्रिका राय एक तरह से लालू प्रसाद यादव के समधी अभी भी हैं, लेकिन अब उन दोनों परिवारों के बीच में दूरियाँ बढ़ चुकी हैं। चंद्रिका राय छपरा के परसा से विधायक हैं और उन्होंने भी JDU ज्वाइन कर ली है। आज उन्हीं के साथ दरभंगा के केवटी के विधायक, दरभंगा जिले की जो केवटी विधानसभा सीट है उसके विधायक फराज फातमी ने भी JDU ज्वाइन की है। और एक और विधायक पटना की पालीगंज सीट के जो विधायक हैं जयवर्धन यादव, उन्होंने भी JDU ज्वाइन कर ली है। अब स्थिति यह है कि परिवारों की लड़ाई सामने आ रही है। देखिए चंद्रिका राय कल तक लालू प्रसाद यादव के मित्र थे, उनके समधी थे, सब इतने करीबी थे, और अब क्या हुआ कि उनकी बेटी की और दामाद की खटपट हुई, तलाक का मुकदमा चल रहा है तेज प्रताप और ऐश्वर्या का, तो अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। उन्होंने तो यहां तक भी आरोप लगाया चंद्रिका राय ने कि पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें तेज प्रताप ने मेरे खिलाफ काम किया और वो अपनी राजनीतिक विष जो है अपनी पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने ये बात भी कही। और इसके अलावा चंद्रिका राय ने ये भी कहा कि RJD कभी गरीबों की पार्टी बनाई थी लालू प्रसाद यादव में, लेकिन अब ये गरीबों की पार्टी नहीं रही है। क्यों गरीबों की पार्टी नहीं रही, ये बात फराज फातमी ने क्लियर की है। फराज फातमी जो कि दरभंगा की केवटी सीट के विधायक हैं और JDU में आज शामिल हुए हैं, उनके पिता अशरफ फातमी कभी सांसद रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ काम किया है 30 साल तक उन्होंने, और केंद्र में मंत्री भी रहे थे, और उनकी खिलाफत की गई लोकसभा चुनाव के समय, और उनका आरोप है कि पैसा लेकर टिकट किसी और को दे दिया गया हमारे पिताजी के अलावा, मतलब अशरफ फातमी की जगह टिकट दे दिया गया किसी और को। ये बात फराज फातमी ने कही। फराज फातमी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और उस वीडियो में उन्होंने खुलेआम ये आरोप लगाए हैं कि RJD में टिकट लेकर
पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं और उनका साफ साफ इशारा तेजस्वी यादव की है। और देखिए क्या स्थिति है। और इसके अलावा हालांकि ये बात सही है कि भी पिछले दिनों जेडीयू के जो मंत्री थे श्याम रजक, वो शामिल हुए थे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, उद्योग मंत्री थे नीतीश की सरकार में, वो शामिल हुए थे, लेकिन उनके शामिल होने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है जितना लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो अंदरूनी खटपट है उससे पड़ रहा है। जयवर्धन यादव जो कि पटना की पालीगंज सीट के विधायक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आरजेडी से उन्हें निराशा मिली है, नीतीश कुमार ने 15 साल काम कराया है, यहाँ पर विकास कराया है। खैर इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं, और ये विकास करने की बात और ये सब तो मौके की बात होती है, चुनाव के समय नेताओं का इधर उधर आना जाना लगा रहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो जेडीयू में जा रहे हैं, और आरजेडी की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, बीमार रहते हैं, और इससे पहले दो विधायक और थे प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव, इन्हें भी पार्टी से निकाला था तेजस्वी यादव ने, और इन्होंने अगले दिन ही जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। तो अब स्थिति ये बन रही है कि सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को टिकट दें। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव अब सारा काम देख रहे हैं, वो अब ये चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को टिकट दूं, और ये सब जानते हैं कि टिकट कैसे दिए जाते हैं राजनीति में, और विधानसभा चुनाव के समय टिकट बांटकर ही पार्टियां अपने पार्टी का जो फंड है, चंदा है, काफ़ी बढ़ा लेती हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पिछली बार 2015 में 42 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी 42 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और कुछ यही इरादा तेजस्वी यादव का नज़र आता है कि आरजेडी गैर भाजपा जो गठबंधन है, यानी कि यूपीए जिसे अब कह सकते हैं, यूपीए तो इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ कांग्रेस लीड पार्टी नहीं है। हाँ वहाँ पे महागठबंधन बना था पिछली बार, और वो उस गठबंधन महागठबंधन से नीतीश कुमार तो पहले ही अलग हो गए थे, अब उसमें बसते हैं आरजेडी, कांग्रेस और कुछ छोटे मोटे दल। कांग्रेस की वहाँ कोई हैसियत नहीं है, तो आरजेडी अपनी मनमानी करना चाहती है, और चाहती है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को टिकट दूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। ये बात हकीकत है, और अब उनके रिश्तेदार ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बाहर। तो मुझे तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़र आ रहा है माहौल वहाँ का कि बिहार में तो अब लगता है कि नीतीश कुमार के सामने विपक्ष कुछ है नहीं, उनके सामने कोई कंपटीशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये भगदड़ मची है विरोधी दलों में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार बहुत आसानी से ये चुनाव जीत लेंगे। बहरहाल क्या गतिविधियां चलेंगी आरजेडी की, ये हम आपके साथ ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।